अब ये लड़ाई आसान नहीं होगी इंद्राणी, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख कोई छोटी बच्ची नहीं, एक भक्त खड़ी, माता रानी शेरावाली की सबसे बड़ी भक्त। जीत में नहीं दूंगी मैं उसे। अब जीत मेरी भक्ति की होगी। नहीं लहराने दूंगी अपने घर में एक बार फिर भक्ति का परचम। मुझे इस घर में भक्ति वापस लानी होगी, तभी माँ ठीक हो सकेंगी। मेरे घर में माता रानी के भक्त के लिए कोई जगह नहीं है। उस घर में पूजा होगी तो सिर्फ मेरी। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें शक्तिमान बनना होगा, सर्वशक्तिमान। आप ही के बताए रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँची हूँ मैं, आगे भी आपको ही रास्ता दिखाना होगा। दीजिए मेरा साथ, आइए आज मेरे घर, देखिए कैसे शहर के कुछ चुनिंदा प्रभावशाली लोगों के सामने अपनी भगवान रूपी तस्वीर की स्थापना करवा रही हूँ। ऐसे मौके पर कोई विघ्न नहीं होना चाहिए कालजयी महाराज, इसलिए आपको आज मेरे साथ चलना होगा। बहुत बैठ लिया आप ध्यान में 8 साल से, पर आज आपको इस भक्त की मदद करनी होगी। चलिए मेरे साथ। उत्तम, अति उत्तम, ऐसा ही होगा, और हम तुम्हें स्वयं अपने हाथों से देवी के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। भाइयों और मेरे प्यारे जीजा जी की खूबसूरत बहनों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इंद्राणी है मेरी बहना, उसका क्या ही कहना। आज उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक नई देवी, एक सर्वशक्तिमान देवी का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। मेरी बहन इंद्राणी देवी, आप सबके सामने अपनी देवी स्वरूपा तस्वीर की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं अपनी हाथों से करेंगी। कि आप सभी उसकी पूजा अर्चना कर सके। नंदोई जी, आप ही बताइए, कोई मनुष्य जीते जी अपने आप को भगवान घोषित कर सकता है क्या? अपनी ही तस्वीर देवी जैसी बनवाकर खुद की पूजा करवा सकता है? बहुत बड़ा पाप है मेम साहब, क्या तो मैं ये पाप नहीं होने दे सकती, वरना पूरे घर पर मुसीबत आ जाएगी। माता रानी, आप ही हम सब की भगवान, जय माता दी। तो बस कुछ ही क्षण शेष है, थोड़ी देर में मेरी बहना यहाँ पर आने वाली है, और वो कहते हैं कि इंतजार का फल बड़ा ही मीठा होता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ये गलत है, पूजा सिर्फ भगवान की होती है। एकदम चुप, नौकर होकर मालिक को गलत ठहराती है। नमक हरामी की भी एक हद होती है। अनुपम जी, कौन है ये बच्चे? अरे वर्मा जी, ये एक अनाथ बच्ची है। मेरी बहना ने तरस खाकर अपने महल जैसे घर में से आश्रय क्या दे दिया, अब ये इसी के खिलाफ बोल रही है। इतने भर की छोकरी और गल भर की जवान, निकल यहां से। मां बहरा वाली है,
जाए बेटा। मेरा रक्षक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बहना का गुस्सा तुम पर ही फूटेगा। निकलो। चल बेटा। अपने हाथ में फूलों की थाली तैयार रखिए, कुछ ही क्षण में मेरी बहन इंद्राणी देवी यहाँ पर आने वाली है। आप सबकी होने वाली भगवान इंद्राणी देवी कुछ ही क्षण में यहाँ पर पधारने वाली है। इंद्राणी देवी की जय। बोलो इंद्राणी देवी की जय। हमारे बाद स्वागत कीजिए हमारे गुरुजी कालजय महाराज का। क्या हुआ माता, सदा शांत दिखने वाले आपके मुख पर चिंता की रेखाएं? मेरे भक्त पर संकट आने वाला है नारद। आज से मैं इंद्राणी देवी आप सबकी नई भगवान। आश्वासन देती हूँ, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, जो दिल से मुझे देवी मानेगा, उसका उद्धार करूंगी मैं, उसका हर दुख दूर करूंगी मैं। इंद्राणी देवी की जय। इंद्राणी देवी की जय। इंद्राणी देवी की जय। इंद्राणी, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कौन है? ये मेरे गुरु है कालजय महाराज। इनके मार्गदर्शन से ही मैं स्वयं को देवी घोषित किया।
आसमान को झुकाया है, जो चाहा वही पाया है, बिना किसी भगवान की मदद से। ये लोग जिसे भगवान मानते हैं ना, ये उनका कुछ भी नहीं करती। मैं इन सब के हाथों पाप होने जा रहा हूं देवी मां, सनत को रोकिए ना। के आगे अपने आप को भगवान साबित, देखा आया ना परलय। सब लोग निकलो यहाँ से, जाओ। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपरंपार है माते। आपने एक पापी के हाथों एक और पाप होने से रोक दिया। आपने अपनी भक्त के घर अनंत होने से रोक दिया माता। बहना, मुझे इस घर का निरीक्षण करना होगा, इस घर के कोने कोने का सूक्ष्म निरीक्षण। इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई, सब जानते हैं मुझे। ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी, और आज वही लोग मुझ पर हंस गए जो लोग मुझसे डरते थे। ऐसा क्यों हुआ, मुझे जवाब चाहिए। काली चींटियों का वास। मंदिर की घंटियों की आवाज,
पंछी का घोंसला। पानी का घड़ा। नीम का पौधा। शंखनाद का स्वर। क्या हुआ कालजयी महाराज, क्या पता चला है आपको? ये तुमने कैसे होने दिया इंद्राणी? तुम्हारे घर में काली चींटियों का झुंड, पंछी का घोंसला, ईशान्य कोण में स्थिर जल का पात्र, नीम का पौधा और खिड़कियों से सुनाई देता शंखनाद का स्वर। ये सब जहां भी होते हैं वहां पर सात्विक ऊर्जा होती है, जहां पर दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह सब तुमने कैसे होने दिया? मुझे नहीं पता महाराज, ये सब कब हुआ? पता कीजिए कि ये सब का क्या कारण है। इंद्राणी की इस हवेली में भक्ति का वास है, ऐसे में उसके भगवान बनने के सपने को पूर्ण करने के लिए मुझे आसुरी शक्तियों का उपयोग करना होगा। अब अधर्म देगा ऐसा जवाब कि ऊपर बैठी स्वयं माता रानी कुछ नहीं कर पाएगी। अब बचा के दिखाए अपनी उस भक्त बच्ची को। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बढ़ाना। इतना सब कुछ किया, इतने लोग बुलाए, पैसे खर्च किए, सब कुछ किया, भूकंप भी आए तो बस इतनी सी देर के लिए सारा काम बिगाड़ के चला गया। बहना का भगवान बनना रहेंगे। माता रानी, आप इतने भूकंप का झटका लेकर मैम साहब को खुद को भगवान होने का घोषित करने वाली बात को नहीं होने दिया ना? मैं जानती हूँ ये चमत्कार आपका ही है। अब मेरी माँ को सब याद दिला दीजिए, ये भी चमत्कार कीजिए ना माता रानी। जय माता रानी। अरे नरेन, क्या बोला डॉक्टर ने? आप सभी के लिए खुशखबरी है। अच्छा, क्या क्या खुशखबरी है? डॉक्टर ने बताया जो सुमन को सरदर्द हो रहा था ना, वो इसलिए हो रहा था कि इसको पुरानी बातें याद आ रही हैं। और ये ठीक हो रही है? अच्छा, ये सब माता रानी की कृपा है। जय माता दी। जाओ जाओ बेटा, आराम करो। चलो सुमन। लो, कल्याणी ने और आटा गीला। बहना भगवान बन नहीं पाई, पर सुमन को पुरानी बातें याद आने लगी। बाबा ने बोला था कि माँ को कुछ कुछ याद आ रहा है। मैं जानती, आप ही ये सब करवा रही है ना? मैं उन्हें याद आ जाऊंगी तो वो मुझे बेटी कहकर गले से लगा लेंगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है माता रानी। आप अपने भक्त का हमेशा भला करती हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। इस सपोले की इतनी हिम्मत, मंदिर का पर्दा हटा के अंदर कैसे घुस गई?
रुको इंद्राणी, रुको। कुछ आभास हुआ है क्या? इस बच्ची के भाग्य की रेखाएं हमारे भाग्य की रेखाओं के समान है और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार एक ज्ञान में तो तलवारें नहीं रहती, उसी प्रकार जब एक भाग्य के दो लोग आपस में टकराते हैं उसमें से कोई एक ही मिलता है। अभी खत्म कर दूंगी। ना, ऐसी मूर्खता कभी नहीं करना। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा घमंड एक दिन ऐसे टूटेगा कि तेरा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे ये कदम जहां जहां पड़ेंगे सुख और समृद्धि रहेगी। एक साधु ने तुझे श्राप दिया था, उसी साधु का आशीर्वाद इस बच्चे को प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में इसके प्राणों को लेने की चेष्टा करना या इसे अपने घर से बाहर निकालने का प्रयास करना, दोनों ही परिस्थिति में तुम्हारे ऊपर विपदा आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं महाराज कि इंद्रायणी इस मामूली सी बच्ची के सामने झुक जाएंगी। और हम तुम्हें इस बच्ची के सामने झुकने भी नहीं देंगे। तुम हमारी शिष्या, हमारा अभिमान हो, तुम्हें इस बच्ची को हराना होगा और ऐसा हराएंगे ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। और वो कैसे होगा महाराज? परिवार के सभी सदस्यों को तुम्हें अपने वश में करना होगा, उनके मन से तुम्हें उनकी भक्ति को मिटाना होगा। इस बच्ची के मन से भी तुम्हें भक्ति को मिटाना होगा, क्योंकि भक्ति ही इसकी शक्ति है। इंद्राणी, तुम्हें इसकी भक्ति को तोड़ना होगा तो यह शक्तिहीन होकर तुम्हारे सामने झुक जाएगी। इस बच्ची के साथ माता शेरावाली की शक्ति है और तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु खड़ा है जो तुम्हें हारने नहीं देगा। अहंकार एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप से दूर ले जाता है और उसके अनावश्यक प्रतिष्ठा का लालच और दूसरों से सर्वोच्च होने का गर्व भर देता है। ये व्यक्ति के सामाजिक और व्यवसायिक संबंधों को प्रभावित करता है, उसे भ्रमित कर देता है। ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। अहंकार को मिटाओगे तभी सुख पाओगे। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.